रवि, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, मतलब नहीं, आई डोंट नो यार, एक्चुअली अचानक से सर दुखने लगा और अनइजी फील कर रहा हूँ। मैंने कहा था ना कि पीके गाड़ी मत चलाओ, वहीं रुक जाते हैं, लेकिन तुम मेरी कोई बात मानो तब ना। सॉरी यार शीना। व्हाट सॉरी, दोस्त देखे नहीं कि शुरू हो गए, बीबी और बच्चे को तो भूल ही जाते हो। I'm really sorry, Shinav. देखो, आगे से no drink, okay? Promise. ये बात मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ। अरे यार, अभी sorry बोल तो दिया ना। Come on. देखो, तुम आराम से सो जाओ, एक आध घंटे में घर पहुँच जाएंगे। रवि, एक काम करो, वो शॉर्टकट वाला रास्ता ले लो, घर भी जल्दी पहुँच जाएंगे और सुबह पिंकी का स्कूल भी है। लेकिन प्लीज गाड़ी आराम से चलाना। ओके स्वीट हार्ट, तुम सो जाओ। ओके। यार बहुत बहुत नींद आ रही है, ऐसा करता हूँ गाड़ी रोक के मुंह पे पानी मार लेता हूँ। हाँ भाई ये लो। Come on, pick up. आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं, मैं स्विच ऑफ। ओह गॉड,
फोन स्विच ऑफ आ रहा है, अब क्या करूं, कहां ढूंढूं इन्हें? शीना! कहीं उस सरकटे आदमी ने उन्हें मार तो नहीं दिया? शीना! सरकटी आत्मा, बच गए। यहाँ से दूर भागना पड़ेगा। कोई है? बचाओ! बचाओ! अभी दरवाजा खोल, मैं रवि
कुछ नहीं होगा तुम्हें। रवि क्या हुआ, क्या हुआ पहले बताओ मुझे, क्या क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? अभिषेक मैं कल रात मैं शीना और पिंकी के साथ मेरे कार से घर जा रहा था। हाँ। मुझे ड्राइव करते करते नींद आ रही थी, इसलिए मैं कार से नीचे उतर के मुंह में पानी मार रहा था। उतने में एक बाइक वाला पीछे से आया और मुझे पानी मांगने लगा। तो मैं पानी देने के लिए जैसे ही मुड़ा वो देखा तो उस आदमी को सर नहीं था, सर कटा था आदमी था वो। क्या बकवास कर रहा है, उसको सर नहीं था? हाँ, उसका सर नहीं था। वो मेरी तरफ बढ़ने लगा और मैं झाड़ियों में गिरकर बेहोश हो गया। जब आग खुली तो देखा कि शीना पिंकी और गाड़ी के साथ वो भाग गया। फिर पता नहीं कैसे वो फिर से मेरे पीछे पड़ा था। मैं भागने लगा, दौड़ा भागा, जान बचाकर यहाँ तक पहुंचा। अभिषेक वो मेरे पिंकी और शीना को ले गया, पता नहीं वो दोनों जिंदा है भी या नहीं। चलो अभिषेक, एक 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 तभी प्लीज मेरे बच्चे को, प्लीज बैठो, मुझे पानी पानी पियो, सरकट आदमी पानी पियो, पानी पियो, पानी पानी पियो, रिलैक्स रिलैक्स। अब बता, फिर से शुरू कर दिया पीना? नहीं नहीं अभिषेक, नहीं यार, मैं तू तो जानता है ना, मैंने तेरे सामने कसम ली थी कि मैं कभी शराब को नहीं छूऊंगा। कसम खाई थी और कसम तोड़ दी और पीना शुरू कर दिया। सच 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 बोल, तूने मैंने कल रात पार्टी में मैंने मैंने थोड़ी सी पी ली। थोड़ी सी पी ली, कितनी बार समझाया तुझे कि पीना बुरी बात है, जिंदगी खराब हो जाती है, देख तेरे साथ क्या हुआ है। अभिषेक अभिषेक मेरे यार, इस बार मुझे बचा ले, प्लीज मुझे बचा ले, मेरे और मेरे परिवार को बचा ले अभिषेक। मैं कसम खाता हूँ, मैं जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी नहीं पीऊंगा, लेकिन प्लीज प्लीज हमें सबको हमें बचा लो, उस सरकटे आत्मा से बचा लो मुझे। एक मिनट देखो, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है। मैंने देखा है, खुद अपनी आंखों से देखा है, मैंने देखा है यार। अरे आदमी ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा चल चल चल, मुझे दिखा वो कहां पे देखी आत्मा। नहीं, मैं वहां नहीं आऊंगा। अरे मैं हूं ना, नहीं आऊंगा मैं वहां। अभिषेक एक मिनट यहाँ रुको। हाँ, इस झाड़ के पास यहीं पे, रुको, यही जगह, यहाँ मेरी कार थी और ये 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 बोतल, ये मेरी पानी की बोतल। तुम्हारी बोतल है? हाँ, मैंने मुंह धोया, थोड़ा सा पानी पिया भी, और जैसे मैंने उस आत्मा की तरफ मुड़ा तो पानी की बोतल मेरे हाथ से छूट गई। यहाँ पे था, फिर क्या हुआ? फिर मैं वो मेरे पीछे आने लगा तो मैं यहाँ गया, यहाँ एक छोटी सी खाई है, वहां पे मैं गिर गया और बेहोश हो गया। क्या
ये यहाँ पे। फिर क्या हुआ? फिर मैं, मुझे होश आया तो देखा, मैं ऊपर आया, देखो तो मेरी गाड़ी नहीं थी और शीना और पिंकी भी नहीं। गाड़ी गायब? गाड़ी गायब, ये दोनों भी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं देखता रहा यहाँ वहाँ, मैंने बहुत ढूंढा उन्हें, लेकिन वो फिर यहाँ से मेरे पीछे आया, वो आत्मा मेरे पीछे आने लगी। यहाँ से? तुम तो कह रहे हो तो इस तरफ से आया था ना? हाँ, मतलब यहाँ से भी आई थी या मुझे याद नहीं, दोनों तरफ से मेरा पीछा कर रही थी वो आत्मा। फिर मैं भागा और एक जगह से मुझे जगह मिली तो मैं अंदर घुस गया जंगल में। कहाँ पे? इस तरफ। फिर मैं जंगल में डर के मारे भागता रहा और फिर यहाँ पर आया। हाँ। वो बाइक वाला मेरा पीछा करता रहा और अचानक देखा कि बाइक की आवाज़ बंद हो गई। पीछे मुड़ के देखा तो बाइक गायब और अचानक से बाइक यहाँ पर मेरे सामने। सामने से? हाँ, सामने से आ गई। देखो वो आत्मा आ गई। अब ये संभल के वो आत्मा आ गई। यहाँ से वो सर्कट यात्रा में वहाँ पे। कहाँ पे? वो बाइक की आवाज। कुछ नहीं होगा, एक मिनट रुको जरा। कहाँ पे? अभी आएगा, वो अभी आएगा। पूरा अरे अभिजीत, ये कैसे हो सकता है? देखा तूने? देखा? अब यकीन हुआ? आत्मा को गोली नहीं लगती। अरे आत्मा आत्मा नहीं है यार। नहीं, आत्मा से भागती नहीं है। आत्मा ही है, कोई इंसान नहीं है। आईवे की तरफ गया है ना, किसी ने देखा होगा, चल के पता करते हैं। नहीं, मैं नहीं आऊंगा तेरे साथ, मुझे डर लग रहा है। लेकिन वो शीना और पिंकी क्यों? शीना और पिंकी को कुछ नहीं होगा, तो मेरे साथ हाईवे तक चल, मैं तुझे टैक्सी पकड़वा देता हूँ। हेलो श्रेया, अच्छा ये बताओ, ये अभी कुछ देर पहले तुमने एक बाइक वाले को यहाँ आते देखा है क्या? अब साहब, यहाँ इतने लोग आते जाते हैं, हमें कहाँ इतनी फुर्सत है कि हम यही सब देखते रहें। नहीं, ये आम बाइक वाला नहीं है, एक्चुअली उसका जो सिर है वो। अरे हमें कुछ नहीं मालूम साहब, आप लोग यहाँ से जाइए। एक मिनट, हम लोग CID से हैं, अब बिना जाने यहाँ से जाएंगे नहीं। क्या चल रहा है यहाँ पे साहब? वो कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, किसी को कुछ नहीं मालूम। लेकिन साहब, वो अक्सर पीछे वाले रास्ते पर घूमते हुए देखा गया। वो इंसान नहीं है साहब,
आत्मा है आत्मा। किसकी आत्मा साहब? काफी साल पहले वो पीछे वाले रास्ते पे एक बाइक पे सवार आदमी का एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट में उसका सर कटकर कहीं झाड़ियों में गुम हो गया था। और वो अपना कटा हुआ सिर ढूंढ रहा है। आपने देखा है उसे? नहीं मैम साहब, आज तक जिसने भी उसे देखा है वो जिंदा नहीं बचा है। अरे तो फिर क्या बात कर रहे हो? देखा नहीं तो उसके बारे में बता कैसे रहे हो तुम? हैं? एक आदमी है साहब, उसने देखा भी है और वो जिंदा भी है, लेकिन उसका दिमाग फिर गया है साहब। कहाँ रहता है वो? 12? नहीं, वो भी तुम्हारे साथ आया है ना? नहीं नहीं बाप, हमारे साथ कोई नहीं आया। नहीं, आइए बाहर आइए आप। तुम लोग जाओ, तुम लोग मुझे मार देना चाहते हो ना? अरे नहीं नहीं भाई, मगर सर मैं? हाँ तुम जाओ। आइए बाहर आ जाइए। कांति बचाओ, कांति। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सीआईडी से हूँ। नहीं, तुम भेष बदल कर आए हो। मैं नहीं आऊंगा। अरे नहीं, सुबह जैसे निकला था वैसे ही है। मैं नहीं आऊंगा। अरे आओ यार, चलो। अरे एक महेश, एक मिनट शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो जो सिरकटा आदमी था जिसने तुमको परेशान किया है ना, हम उसको पकड़ने आए, उसको पकड़ लेंगे हम लोग, समझे? आप सच में उसे पकड़ेंगे? हाँ। एक मिनट, बारह बारह हम तुम्हारी मदद के लिए आए। ठीक है। उस रात क्या हुआ था आपके साथ? मैडम उस रात जंगल के रास्ते अपनी बाइक से अपने घर आ रहा था। अरे ओ भाई साहब, क्या बीच रोड पे खड़े हो, जरा साइड हो। अरे रुक, बताता हूँ तुमको। चेहरे वाली और? हाँ सर, एक और आत्मा, दो दो आत्मा, एक का चेहरा नहीं है और एक की मुंडी नहीं है। हाँ सर, ये क्या नया चक्कर है? चक्कर क्या है तो उस आत्मा से मिलके ही पता चलेगा। सर पंकज कहाँ रह गया? पंकज, ये क्या ड्रामा है, सर? सर एक आत्मा चेहरा ढूंढ रही है सर, और एक आत्मा अपनी मुंडी ढूंढ रही है। फ्रेडी सर भी साथ में नहीं है सर। अगर उसे फ्रेडी सर की मुंडी और मेरा भला भला चेहरा पसंद आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी सर, इसलिए सिक्योरिटी। सुधरेगा नहीं। क्या हो गया गाड़ी का? ये अचानक हो क्या गया गाड़ी को? ओह तो ये बात है। कैसे हो सकता है? वही कटे सर वाला आदमी। मिलना पड़ेगा इस आदमी से।
ये अचानक गायब कहाँ हो गया? कहाँ जा सकता है? पर ये अभी आगे था, पीछे कैसे पहुंच गया? सचिन, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है सर? क्या हुआ सर, कुछ बोलिए सर। बाबू जी सर, सचिन सर का तो कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। कुछ तो है वहाँ पे। श्रेया, तुम लोग उधर से निकलो, मैं इधर से आता हूँ। लेट्स गो। ऐसे कैसे गायब हो गया? गायब कैसे हो गया? श्रेया, ठीक से नजर रखना। यस सर। कहीं दिखा सचिन? हाँ? सर, अब तक तो सचिन सर कहीं दिखे ही नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ऐसा कैसे हो गया यार? सर, ध्यान से देखती रहना श्रेया, ध्यान से। यस सर। सर, ना सचिन सर दिखाई दे रहे हैं, ना उनकी कार दिखाई दे रही है, कहाँ चला गया? दिखा कहीं पे? सर, हम सारा रास्ता उन्हें ढूंढे थे, वो कहीं नहीं दिखे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी तरफ से भी नहीं निकला, हमारी तरफ से भी नहीं निकला, कहाँ गायब हो गया? सर, उनकी गाड़ी भी गायब है। और सर, गाड़ी से बाहर जाने का एक रास्ता है सर, और कोई रास्ता भी नहीं है। निकल, सचिन की गाड़ी पे GPS है, ट्रेस करो गाड़ी कहाँ पे है। अभिजीत, तुम यहाँ? अभिजीत, मेरी शीना और पिंकी, कुछ पता चला उनका? अरे यार, दो दिन हो गए उन्हें गायब हुए। मुझे भरोसा रखो यार, मैं उन्हें वापस लेके आऊंगा, मेरा वादा है तुमसे। लेकिन अभिजीत, वो आत्मा, उस आत्मा का क्या भरोसा? अरे यार, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती है यार, ये किसी इंसान का काम है, और हम बहुत जल्द उस तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अभिजीत, शीना और पिंकी मिल तो जाएंगे ना यार? क्यों नहीं मिलेंगे? हैं, मिलेंगे यार, हम लोग हैं ना। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ। लेकिन वो यार, कुछ भी नहीं होगा, जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको बताऊंगा। प्लीज प्लीज ट्राई कर। सर, आने सर, सर की कार ट्रेस हो गई है, ये रहा लोकेशन। मेरा रूम, जूम करो सर। सर, लगता है फैक्ट्री बंद पड़ी है। कोई बात नहीं, अंदर तो जाना ही होगा। संभाल के, तो सिर कटे के न जाने कितने सिर होंगे यहाँ पे। सर, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ हो सकते हैं सचिन सर? कार का GPS सिस्टम तो यही फैक्ट्री का लोकेशन दिखा रहा था ना, कहाँ गया कहाँ? सर, ना कहीं सचिन सर दिखाई दे रहे हैं, उनकी कार का कोई ट्रेस मिल रहा है। हो सकता है उसे यहाँ से कहीं और ले जाया गया हो, पर यहाँ तक कैसे आया होगा? और सर, हाईवे से निकलते हुए वो हमें कहीं दिखे भी नहीं। ये फैक्ट्री हाईवे से 50 किलोमीटर की दूरी पे है, तो उड़ के तो कार आई नहीं होगी। उसे किसी न किसी तरीके से यहाँ पे लाया गया होगा।
तो ये बात है। क्या सर? ये देखा टायर के निशान। सर ये तो किसी ट्रक के टायर के निशान लगते हैं। कोई बड़ा सा ट्रक जिसके अंदर कार लोड की जा सके। तुम लोगों की इतनी हिम्मत? दया सर को भी ले आया यहाँ पे। सीआईडी ऑफिसर दया, अरे तुम लोग का दिमाग खराब हो गया क्या? पता है ये कौन है? ये सीआईडी ऑफिसर दया है। दया एक यहाँ पहले से था और तुम लोग अभी दूसरे को भी ले आए यहाँ। फिक्र मत करो सर, अभी इसको ठिकाने लगा देते हैं। ठीक है, जो करना है जल्दी करो, हमारे पास टाइम नहीं है। हमने सीआईडी से पंगा ले लिया है। तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। वो तो अच्छा हुआ,
हमने फैक्ट्री पर इसकी गाड़ी से वो जीपीएस चिप निकाल लिया था, वरना हम सब जेल के अंदर होते। देखो तुम लोग ये ठीक नहीं कर रहे हो, छोड़ दो वरना तुम में से एक भी नहीं बचेगा। छोड़ो छोड़ो, ए अपना मुंह बंद रख वरना तेरा हाल भी इसके जैसा कर देंगे। जल्दी करो। तो ये है सातमा का असली चेहरा। हाईवे मुसाफिरों के लिए होता है, तो जैसे चोरों के लिए नहीं। गए वो दिन। हाँ साहब, मैं ढाबा की आड़ में गाड़ी लूटने का भी काम करता था। जब भी हाईवे से कोई महंगी गाड़ी जाती तो मैं अपने आदमियों को खबर कर दिया करता था, और मेरे आदमी उस गाड़ी को लूट लिया करते थे। और अपनी सरकटी बाइक वाली आत्मा के बारे में भी बता दो। वो दो आदमी रिमोट से चलने वाले डमी थे, उसे हमारे ग्रुप की बिना चेहरे की लड़की लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल करती थी, और मेरे गैंग के लोग उनकी गाड़ियों को लूट लिया करते थे। लेकिन अब क्या मिलेगा तुम्हें? जेल की सजा। लूटपाट के चक्कर में बची कुची जिंदगी लुट गई तुम्हारी, ले जाओ इन्हें। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.